हेलो, इट्स एक्वा इंडियन एल क्यू और आज का टॉपिक है क्रिएटिंग बैकअप मेमोरीज ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। जब सुनता है सॉफ्टवेयर इमेज मेमोरीज का जो भी बैकअप बनता है उसे कहा जाता है एज इमेज फॉर्मेट में बैकअप बनाना। अगर ऑनलाइन देखा जाए तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो इमेज क्रिएटर मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है इमेज क्रिएटर सॉफ्टवेयर, जिसमें मैजिक एसो ही ज़्यादा बेटर माना जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा सर्च वही लिया जा रहा है, मैजिक एसो आप देखोगे तो वही बेटर है। मैं जनरली मैजिक एसो सॉफ्टवेयर का ही यूज करता हूँ क्योंकि काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी हल्का है। वैसे तो मेरे फेवरेट सॉफ्टवेयर्स में देखा जाए, क्रिएटर इमेज फॉर्मेट में देखा जाए तो मैं नीरो और मैजिक एसो को ही सपोर्ट करता हूँ। नीरो काफ़ी लोडेड सॉफ्टवेयर होता है इसलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। मैजिक एसो मिनिमम 2 से 3 MB का होता है और किसी भी पीसी पे, चाहे वो काफ़ी स्लो हो या फिर नॉर्मल पीसी हो, उसमें भी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। जैसे मैंने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रखा है मैजिक एसो, इसके जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो रजिस्टर्ड मांगता है। रजिस्टर्ड के लिए हमें आसानी से इसकी आईडी और पासवर्ड आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल हैं और मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैंने ओपन किया मैजिक एसो। इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि मैजिक एसो के थ्रू हम लोग सीडी भी बर्न कर सकते हैं, इमेज भी बना सकते हैं और इमेज को फिर से डीवीडी या सीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें दो ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें कोई भी सीडी या फिर कोई डेटा बर्न करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप डेटा को इसमें ट्रांसफ़र कर लें, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दिया। लोड हो गया और ये बर्न ऑप्शन आ रहा है। बर्न क्लिक करेंगे, आप ब्लैंक सीडी डालेंगे और यहाँ बर्न इट कर देंगे तो ये आपका डेटा भी बर्न कर देगी। फिलहाल अभी हम लोग इमेज यानी बैकअप की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं जो हमारे काम आएंगे। एक तो है बर्न सीडी डीवीडी विज आईएसओ